हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अकाउंटेंसी लर्निंग मेड इजी। बेटा दिस इज अनदर वीडियो ऑफ द चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हेड्स और सब हेड कर रहे थे कंपनी की बैलेंस शीट के। मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक करवा दिया था, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 करा रही हूँ। अंडर विच ऑफ द हेड्स विल द फॉलोइंग आइटम बी शोन व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज कंटेन्ड इन शेड्यूल थर्ड। कंपनी की शेड्यूल थर्ड में जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें हम कुछ हेड्स और सब हेड्स दिखाते हैं, वो पूछा गया किस तरह से बनाने हैं। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आप कॉलम्स बना लीजिए, पहले सीरियल नंबर, फिर आइटम्स, उसके बाद हेड्स, फिर सब हेड्स। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले वाले खर्चे होते हैं। जैसे कंपनी की प्रमोशन करते हैं, प्रमोटर कंपनी की प्रमोशन करने के लिए का रजिस्ट्रार ऑफिस में कंपनी का नाम दर्ज करवाता है, स्टैंप ड्यूटी देता है, प्रिंटिंग करवाता है बुक्स की, तो वो वाले खर्चे होते हैं, इसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो लिखिए नंबर 1 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपको पता ही है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं सेम ईयर में ही हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं, तो उसको हम कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। तो लिख लो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसके अंदर लिखिए नॉट शोन इन बैलेंस शीट, नॉट शोन इन बैलेंस शीट एज दीज एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ, एज दीज एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ, these expenses are written off in the same year, जिस साल ये होते हैं उसी साल इनको क्या कर दिए जाते हैं, written off in the same year, उसी साल में ख़त्म कर दिए जाते हैं जिस साल ये खर्चे होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आ जाए या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाए, लॉस कब होता है, जब कंपनी प्रीमियम पर रिडीम करती है अपने डिबेंचर। तो ये भी यही लिखेंगे सेम, नॉट शोन इन बैलेंस शीट एज दीज एक्सपेंसेस आर Expenses are written off in the same year, उसी साल हम क्या कर देते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, 10% डिबेंचर्स है, कंपनी डिबेंचर इशू करती है, 10% क्यों लगाते हैं, इट मीन्स इनको डिबेंचर होल्डर को इस रेट से क्या मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिलेगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कंपनी की, इसको हम बोलते क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसका सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टोकिंग ट्रेड। स्टोकिंग ट्रेड जो है कंपनी की करंट एसेट है, ये इन्वेंट्रीज का पार्ट है। मैंने जब आपको कराया था इन्वेंट्रीज तो बताया भी था, इन्वेंट्रीज में हम रॉ मटेरियल लेते हैं, सेमी फिनिश लेते हैं, फिनिश गुड्स लेते हैं, स्टोकिंग ट्रेड लेते हैं, स्टोर एंड स्पेयर आता है और लूज टूल्स आता है। तो अभी पूछा हुआ है स्टोक इन ट्रेड, तो ये किस में आता है बेटा, ये करंट एसेट का पार्ट है, करंट एसेट इसका हेडिंग है और सब हेडिंग है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 कैश एंड बैंक। जो कैश एंड बैंक है वो कंपनी की कौन सी एसेट है, करंट एसेट है, करंट एसेट का सब हेडिंग क्या है, लिख लीजिए बेटा करंट एसेट नंबर 3
कैश एट बैंक, सॉरी नंबर 5 कैश एट बैंक की करंट एसेट में आती है कंपनी की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा नंबर 6 बिल रिसीवेबल। ये पॉइंट हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। बिल रिसीवेबल कंपनी की करंट एसेट है, करंट एसेट्स और ट्रेड रिसीवेबल्स में आता है। करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल में एक क्या क्या आता है, एक बिल रिसीवेबल आता है और एक डेटर्स आता है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 7 गुडविल। गुडविल कंपनी की नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट, और इसका सब हेडिंग क्या है, फिक्स एसेट टेंजिबल, फिक्स एसेट्स टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा नंबर 8 लूज टूल्स। जैसे कंपनी के पास पेचकस है, हथौड़ी है, कैंची है, कील है, रेंच है, तो ये कंपनी के लूज टूल्स हैं। ये कंपनी की करंट एसेट है, करंट एसेट, और ये किसका पार्ट है, इन्वेंट्रीज का। करंट एसेट्स ये आता है इन्वेंट्रीज में, इन्वेंट्रीज। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कोर्स एंड कार्ड्स, जो घोड़ा गाड़ी है जिसको हम तांगा बोलते हैं, वो कंपनी की नॉन करंट एसेट है। लिख लीजिए नंबर 9 कोर्स एंड कार्ड्स, कोर्सेस एंड कार्ड्स, ये कंपनी की नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट्स। और ये कौन सा है, इसका सब हेड क्या है, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, क्योंकि इसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। फिक्स एसेट है ये, टेंजिबल एसेट है ये, टेंजिबल एसेट्स। उसके बाद नंबर टेन क्या लिखा है, मोटर ट्रक। मोटर ट्रक कंपनी की नॉन करंट एसेट है, इसका सब हेडिंग क्या बेटा, फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट, फिक्स्ड एसेट है ये कंपनी की और ये टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट्स। उसके बाद हमें क्या देखा है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये मैंने लास्ट वीडियो में कराया था, प्रोविजन फॉर टैक्स। कंपनी को हर साल क्या देना होता है, टैक्स देना होता है, तो कंपनी क्या करती है, कुछ पैसा हर साल अपना प्रॉफिट में से प्रोविजन बनाती चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसका हेड क्या होगा, ये कंपनी की करंट लायबिलिटी है और ये आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। कंपनी की ये कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, और किस में आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 12 सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कंपनी की करंट लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज में, और इसका सब हेड क्या है, ये ट्रेड पेबल्स में आता है। ट्रेड पेबल में मैंने आपको बताया था, ट्रेड पेबल में बेटा एक तो आता है बिल पेबल, एक आता है क्रेडिटर्स, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। लिखा है हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग आइटम इन कंपनीज बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया है कि आप कंपनी की बैलेंस शीट में इस आइटम को किस तरह शो करेंगे। पब्लिक डिपॉजिट है, वैसे आप बता देते हैं पब्लिक डिपॉजिट हमारी कंपनी की लोन करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी कंपनी की करंट लायबिलिटी है, कॉलिंग एडवांस भी कंपनी की करंट लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट जो बनाए हैं 20,000 के, ये कंपनी का शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा, ठीक है, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये भी कंपनी की करंट लायबिलिटी है, पर ये भी किसमें आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। पर इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि आप इसको कहाँ दिखाएंगे कंपनी की बैलेंस शीट में, तो आप बना लीजिए कंपनी की बैलेंस शीट बना लीजिए, उसमें शो करने को कहा है, हेड सब हेड नहीं पूछा, तो आप इसके अमाउंट्स भी दिए हुए साथ में, तो अमाउंट्स भी हमें लिखने पड़ेंगे। लिखो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, बस बैलेंस शीट लिख लीजिए, कंपनी का नाम नहीं पता, एज एट 31 मार्च 2017, ठीक है। लिखो पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर 31 मार्च 2017, फिर 31 मार्च 2016, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपनी की आइटम्स पूछी गई है कि किस तरह से हमने इसको कंपनी की बैलेंस शीट में बतानी है के दिखानी है ये कंपनी की बैलेंस शीट। हम ये अभी कंपनी की पूरी बैलेंस शीट तो नहीं है, इसको हम नाम दे देते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहले आपको पता है नंबर वन आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड आता है, पर शेयर होल्डर फंड का पार्ट नहीं है ये, किसका पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है। लायबिलिटी उसके अंदर क्या आता है, अभी मैंने आपको बताया दो, एक पॉइंट बताया मैंने आपको पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट का हेड क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है, और सब हेड इसका लॉन्ग टर्म बोरिंग है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिख देंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इसके सामने लिख देंगे वन। इसका मैं अभी आपको नोट्स बना के दिखाती हूँ। तो पब्लिक डिपॉजिट का अमाउंट कितना है, 4 लाख, तो आप लॉन्ग टर्म बोरिंग के सामने लिख दीजिए 4 लाख। आप 4 लाख लिखेंगे और ये आया कैसे है, वैसे तो मैं बता ही हूँ पब्लिक डिपॉजिट हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग से आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कॉलिंग एडवांस है, ये हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी है और अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। तो आप हेडिंग लिखिए करंट, इसके आगे दो डॉट्स लगा दीजिए लायबिलिटीज, ठीक है। इसके अंदर दो बता रही हूँ मैं, एक तो बता रही हूँ अदर करंट लायबिलिटीज, इसको मैं नंबर 2 दे रही हूँ नाम। अदर करंट लायबिलिटीज में एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं 10,000 के, कॉलिंग एडवांस आता है 25,000, तो दोनों को प्लस करके हमारा आज का 35,000, ठीक है। इसका नोट बताते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन की। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्योंकि जो प्रोविजन फॉर टैक्स है और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है दोनों के दोनों, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। है कितने कितने, एक है 20,000, एक है 1,50,000, तो हो गया टोटल 1,70,000। तो ये जो इसको लिखना तो ऐसे ही है, टोटल करके लिखना है, पर इसके नोट्स बना के दिखाने हैं हमें, तो समझ आ गया। हमने ये पॉइंट्स कर लिए, पर इसको हमने क्या करना है, इसके पॉइंट्स जो हमारे नोट्स बनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से इसको लिखना है, तो ठीक है, क्लियर हो गया।
अब आप एक्सट्रैक्ट फॉर बायोलॉजी बना लिया, तो अब आपको इसी के नीचे बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, यही क्वेश्चन चल रहा है इसके, नोट्स टू अकाउंट्स बनाइए, नोट्स टू अकाउंट्स, फॉरवर्ड क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, सबसे पहले हमने नंबर वन किसको दिया था, हमने दिया था लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को, तो पहले लिखा नंबर वन, नंबर वन जैसे हमारी नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आया था, मैंने आपको भी कराया था, तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज है हमारी, ठीक है, हम लिखेंगे नंबर वन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आया है, पब्लिक डिपॉजिट्स आए हैं, पब्लिक दीजिए, पब्लिक डिपॉजिट्स, जैसे डिबेंचर्स आ जाए, बॉन्ड्स आ जाए, पब्लिक डिपॉजिट आ जाए, मॉर्गेज लोन आ जाए, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है, तो अमाउंट है बेटा 4 लाख, ठीक है, इसके नीचे लाइन लगा दो। उसके बाद हम नंबर टू किसको दिया था, मैंने नंबर टू मैंने करंट लायबिलिटी के अंदर दिया था अदर करंट लायबिलिटी को, तो आप लिखिए नंबर टू अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज में मैंने क्या क्या बताया था आपको, एक तो बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अलावा था आपका कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस, ठीक है बेटा, कॉल इन एडवांस, तो अब इसका टोटल लिख लीजिए, आउटस्टैंडिंग हमारा कितना था, आउटस्टैंडिंग हमारा था 10,000 लिख लीजिए, और कॉल इन एडवांस था 25,000, तो इसका टोटल कितना आया था 35,000, ठीक है, इसके नीचे डबल लाइन लगा दो ताकि ये अलग हो जाए इसके, ठीक है 35,000। अब नंबर थ्री मैंने किसको नाम दिया था, नंबर थ्री मैंने शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को दिया था, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसमें मैंने दो चीजें बताई थी, एक तो बताया था मैंने आपको प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट कितना दिया बेटा हमें 20,000, ठीक है, उसके बाद हमने प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है बेटा, दैट इज रुपीज 1,50,000, इसका टोटल कर लीजिए 1,70,000 आ जाएगा, ये हमने जो बैलेंस शीट बनाई थी उसमें लिख दिया था, समझ आ गया, ये हमने नोट्स बना दिए, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस लिख दिया और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिख दिया, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, बेटा ये क्वेश्चन नंबर 22 था, क्वेश्चन नंबर 22 था ये, ठीक है, उसी की मैंने बैलेंस शीट बना के दिखाई है आपको और उसी के नोट्स को काउंट बताए, ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, इसमें क्या पूछा गया ये समझ लेना, इस क्वेश्चन में कहा गया है हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग आइटम इन कंपनीज बैलेंस शीट, की कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, व्हीकल्स और दिया है कि हमारी कौन सी एसेट है, नॉन करंट एसेट है, उसमें फिक्स एसेट है, टेंजिबल एसेट है, ऑफिस इक्विपमेंट हमारी क्या है, ये भी नॉन करंट एसेट है, ये फिक्स एसेट है, टेंजिबल एसेट है, ट्रेडमार्क क्या है हमारी, नॉन करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारी कौन सी एसेट है, नॉन करंट एसेट है और इनटेंजिबल एसेट है, तो आप पहले बनाइए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, क्वेश्चन नंबर 23 एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट
डैश हमें नहीं पता ई है, फॉर्मेट क्या है इसका, पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर अमाउंट, करंट ईयर, फिर अमाउंट प्रीवियस ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर, हमें क्या दिया हुआ है, एसेट्स दे रखी है, हम लिखेंगे एसेट्स, उसके अंदर हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, उसके अंदर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स, कौन सी एसेट है, आप देखिए कुछ एसेट्स ऐसी हैं जो टेंजिबल है और कुछ कौन सी है इनटेंजिबल एसेट है, तो इसमें हम नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट भी देते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं नंबर वन टेंजिबल एसेट, आपको पता है फिक्स एसेट चार तरह की होती है, एक टेंजिबल एसेट होती है, एक इनटेंजिबल एसेट होती है, एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होती है, एक इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट होती है, पर इसमें अभी दो ही पॉइंट्स बता रही हूँ मैं, एक तो टेंजिबल एसेट और एक इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल के आगे मैं नोट्स वन बना रही हूँ और इनटेंजिबल के आगे नोट्स टू बना रही हूँ, इसके नोट्स बना के मैं बताऊंगी, पर अभी आपको मैं बताती हूँ टेंजिबल एसेट की वैल्यू कितनी है, व्हीकल 50 लाख है, ऑफिस इक्विपमेंट 10 लाख है, 50 लाख और 10 लाख हो गए 60 लाख, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा ट्रेडमार्क और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क 2 लाख है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 6 लाख है, तो इसका टोटल आ गया 8 लाख, 2 लाख और 6 लाख हमने ऐड कर दिया, 8 लाख आ गया। अब मैं इसके नोट्स को कौन सिखा रही हूँ, ठीक है बेटा, इसी क्या बताइए नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स लिखिए, नोट्स टू अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अब आपको पता है कि आपने नंबर वन किसको दिया था टेंजिबल एसेट को और नंबर टू किसको दिया था इनटेंजिबल एसेट को, तो आपने ऐसे ही लिखना है, पहले लिखिए नंबर वन टेंजिबल एसेट, आप देखिए क्वेश्चन में टेंजिबल एसेट कौन कौन सी है, लिखिए नंबर वन टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट में कौन कौन सी एसेट्स है, देखिए एक तो व्हीकल्स है, व्हीकल्स, और एक है ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट्स, कितनी है बेटा व्हीकल्स, व्हीकल्स की वैल्यू 50 लाख है और इसकी 10 लाख है, ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू 10 लाख है, तो दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा 60 लाख, 60 लाख, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट नंबर टू, इनटेंजिबल एसेट्स, इसमें लिख लीजिए ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स, फिर लिखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो ट्रेडमार्क्स है उसकी वैल्यू 2 लाख है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैल्यू 6 लाख है, तो 2 लाख में 6 लाख आप ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 8 लाख, ठीक है, यही वाला हमने कंपनी की बैलेंस शीट में दिखा दिया था, ठीक है बेटा। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 24 रीड करते हैं, शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, कि कुछ आइटम दे रखे हैं वो कंपनी की बैलेंस शीट में किस तरह शो होनी है। एक तो दी हुई है डेफर टैक्स एसेट, आपको पता है डेफर टैक्स एसेट क्या होती है, कि जब हमारी अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से कम होती है तो उसको हम
डेट पर टैक्स एसेट कहते हैं। ये डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि कंपनी जो है लिखती है, जो कंपनी की बैलेंस शीट में वो अकाउंटिंग लॉज के अकॉर्डिंग लिखती है, और जो इनकम टैक्स लॉज है वो अलग है, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में। तो जब हमारी अकाउंटिंग इनकम कंपनी की कम होती है किससे, उसकी टैक्सेबल इनकम से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट। तो ये कंपनी की नॉन करंट एसेट्स में आता है। नॉन करंट एसेट में मैंने आपको बताया था, नॉन करंट एसेट में एक फिक्स एसेट आती है, एक नॉन करंट एसेट आता है, एक डेफर्ड टैक्स एसेट आता है, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट्स बताए थे आपको जो कंपनी की बैलेंस शीट करवाई थी, तो ये और एक आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ये बताया था मैंने आपको। तो अब डेफर्ड टैक्स एसेट कहाँ पर आएगी, कंपनी की नॉन करंट एसेट पे डेफर्ड टैक्स एसेट एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लूज टूल्स की, लूज टूल्स कहाँ पर आता है, कंपनी की करंट एसेट्स है और इन्वेंट्रीज का पार्ट है, गुड्स इन ट्रांजिट है, जो गुड्स अभी रस्ते में है, जो अभी पहुंची नहीं है किसके पास, बिजनेसमैन के पास या कंपनी के पास, जैसे नहीं पहुंची तो ये कंपनी की करंट एसेट है और उसका सब हेड क्या है, इन्वेंट्रीज है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, कंपनी की करंट एसेट है, करंट एसेट के अंदर अदर करंट एसेट में आती है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कंपनी का इंटरेस्ट अक्रू हो गया इन्वेस्टमेंट पर, जो अभी मिलना बाकी है, तो ये कंपनी की करंट एसेट है, उसका सब हेड क्या है, अदर करंट एसेट। तो इसको किस तरह कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है वो मैं आपको करवा दूँ। तो पहले आप बताइए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, ठीक है। इस क्वेश्चन में दी हुई है, जिस क्वेश्चन में हमें डेट दी हो हमने उसके अंदर लिख लेनी है। तो अब आपको पता है इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, इसके अंदर हमें आइटम्स एसेट साइड की दे रखी है, फॉर्मेट तो आपको पता ही है पर्टिकुलर्स, फिर बनता है नोट नंबर, फिर 31 मार्च 2017, फिर 31 मार्च 2016, ठीक है। रुपीस, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे एसेट्स, ठीक है। एसेट्स के अंदर हम कौन सी एसेट लिख रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स। आपको पता है नॉन करंट एसेट में हम ऐसे तो लिखते हैं फिक्स एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट आती है, एक तो ये हो गई, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, और तीसरा हमारी क्या होती है, डेफर्ड टैक्स एसेट होती है, और फोर्थ लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आते हैं, है ना, वो हमारी नॉन करंट है। तो ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट है वो इसमें आएगी, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ये हमें ऑलरेडी दिए, इसके लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसका अमाउंट है बेटा 2 लाख लिख दीजिए सीधा ही। उसके बाद हमारी करंट एसेट्स आएंगी, करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स हैं इस क्वेश्चन में, एक तो करंट एसेट के अंदर हमारे जैसे लूज टूल और गुड्स इन ट्रांजिट क्या है, इन्वेंट्रीज का पार्ट है। तो आप इसको लिख लीजिए इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज में दो एसेट यहाँ पे मैं बता रही हूँ, कौन कौन सी, लूज टूल इसकी वैल्यू 120,000 है, और 5 लाख की गुड्स इन ट्रांजिट है, तो 620,000 आ गया। इसके आगे मैं वन बता रही हूँ क्योंकि इसका मैं नोट्स बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी, फिर दोबारा बताती हूँ जो हमारे क्या है लूज टूल्स है और जो गुड्स इन ट्रांजिट है उनका टोटल दोनों का 1,20,000 प्लस 5 लाख 6,20,000 आ गया, वो मैंने लिख दिया, इसका मैं नोट्स बना के बताऊंगी। उसके बाद जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये कंपनी की अदर करंट एसेट्स है, अदर करंट एसेट्स। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है या फिर अक्रूड इनकम होती है, इंटरेस्ट अक्रूड होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो कंपनी की क्या है, कंपनी की करंट एसेट है, अदर करंट एसेट है। तो 15,000 प्लस 10,000 ही आ जाएगा 25,000 इनको ऐड करके आ गया। तो ये किस तरह से शो करना है नोट्स अकाउंट में, अब मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है बेटा। देखिए अब पर्टिकुलर
टेबुलर्स अमाउंट नोट्स कौन बनाएंगे अब इसका नोट्स टू अकाउंट्स ठीक है बेटा पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट सबसे पहले हमें नोट्स किसके लिए बनाना था मैंने आपको बताया था करंट एसेट्स में हमने इन्वेंट्रीज के आगे वन लिखा है तो आप लिख लीजिए इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज नंबर वन इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज में क्या बताया मैंने बेटा एक तो बताया था मैंने लूज टूल्स एक गुड्स इन ट्रांजिट जो रास्ते में गुड्स हैं वो आ जाएंगी ये गुड्स हैं और इन्वेंट्रीज का पार्ट है अभी अमाउंट कितना है जो हमारी लूज टूल्स है उसकी वैल्यू है 1,20,000 और गुड्स इन ट्रांजिट का टोटल है दिया हुआ है 5,00,000 तो इन दोनों का हम टोटल कर देंगे दैट इज 6,20,000 ठीक है बेटा अब हम बात करते हैं अब हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट अक्रूड और इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं तो नंबर टू दे देते हैं अदर करंट एसेट्स अदर करंट एसेट्स ठीक है अदर करंट एसेट्स में क्या आएगा अदर करंट एसेट के अंदर आप इसको आगे दो डॉट्स लगा दीजिए अदर करंट एसेट में एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है प्रीपेड एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट अक्रूड और इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट मिलना बाकी है इंटरेस्ट अक्रूड और इन्वेस्टमेंट्स इंटरेस्ट मिलना बाकी है इन्वेस्टमेंट पर ठीक है कितना अमाउंट है देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस का 15,000 और जो इंटरेस्ट अक्रूड है वो है 10,000 तो प्लस कर दीजिए 25,000 आ जाएगा इसका टोटल 25,000 ठीक है ये हमने बैलेंस शीट के अंदर शो कर दिया था क्लियर हो गया तो यानी कि अब आपको ऐसे भी आ सकता है कि कंपनी की जो एक तो होता है हेड सब हेड वैसे क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकते हैं बेटा कि आपने उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है कंपनी की बैलेंस शीट में वो पॉइंट्स भी आ सकते हैं तो वो आपने खुद देखना है कि उसको हमें कैसे शो करना है तो ठीक है बेटा अब आप इसके नीचे फिर लाइन्स ही लगा दीजिए ठीक है 25,000 की हमारी क्या आ गई है 25,000 की हमारी अमाउंट आया है अदर करंट एसेट्स का और इन्वेंट्रीज का कितना है 6,20,000 क्लियर हो गया ठीक है बेटा अब इसके नीचे भी लाइन लगा दीजिए तो बेटा अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन कौन कौन से करवा दिए क्वेश्चन नंबर मैंने अब कराया इस वीडियो के अंदर 21, 22, 23 और 24 तो बेटा अब जितने मैंने अभी तक करवाए हैं जितनी भी वीडियोस अभी मैंने बनाई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की पहली जो वीडियो थी उसके अंदर तो चलो मैंने आपको कंपनी का फॉर्मेट ही याद कराया था उसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर हम जो आइटम्स को हेड्स और सब हेड में किस तरह लिखते हैं वो बता दिया और अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं 21 से लेकर 24 तक जिसमें 22, 23, 24 ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिसके अंदर हमें अमाउंट्स दे रखे थे और कंपनी की बैलेंस शीट में आइटम्स को किस तरह से दिखाना है वो पूछा गया था तो मैंने बता दिया आपको तो आज जो है मेरा कंपनी की बैलेंस शीट का टॉपिक खत्म हो जाता है तो आगे जो अगली वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर मैं आपको इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनाई जाती है पहले उसका फॉर्मेट समझाऊंगी उसके बाद कुछ आइटम्स को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं वो बताऊंगी सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग